नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू दिल्ली मैराथन जो कि 26 फरवरी में ऑर्गेनाइज हुआ न्यू दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पे। ये 42 किलोमीटर का डिस्टेंस था और इस रेस का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपको न्यू दिल्ली मैराथन क्यों करना चाहिए, इसमें से क्या टेकअवेज है, इसमें क्या क्या अच्छी चीज़ हैं जो कि एक रनर्स को ऑफर करता है, और मेरे लिए ये क्यों बहुत ही स्पेशल ये इवेंट था, वो सारे बात मैं आपके साथ ये शेयर करूँगा। तो सबसे पहले ये जो न्यू दिल्ली मैराथन है ये एक नेशनल मैराथन है, जिसका मतलब ये है कि इंडिया से जो रनर्स पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करना चाहते हैं और उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वो ये इवेंट में अगर 2 घंटा 8 मिनट और 6 सेकंड के अंदर अगर दौड़ते हैं तो वो क्वालिफाई करते हैं ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो पूरे इंडिया में जितने भी रेसेस हैं उनमें से ये एक ही रेस है जिसमें जो कि एक क्वालिफाइंग रेस है, नंबर वन। नंबर टू, दिल्ली में ये ऑर्गेनाइज होता है। 42 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है ये बहुत ही एक अच्छा रूट में होता है जिसका एलिवेशन ऑलमोस्ट 0, 1, -1, 2 के बराबर होता है। एलिवेशन इसमें कुछ नहीं होता, वेदर बहुत ही सुंदर रहता है, आपको चिल्ड वेदर रहता है तो बॉडी उतना थकता नहीं है। तीसरा ये है, ये एनईवी का इवेंट है तो इसमें एज कैटेगरीज 4 एज कैटेगरीज होते हैं, 18 से 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 अबव, वुमेन और मेन दोनों के लिए। इसमें एक प्राइज मनी भी रहता है, एलिट्स के लिए एक अलग प्राइज मनी रहता है और एज कैटेगरी के लिए 10,000, 7,000 और 5,000 का प्राइज मनी रहता है। इसमें आप 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 42 किलोमीटर डिस्टेंस रन कर सकते हैं जो कि टाइम्ड इवेंट है, और 5 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो है फन इवेंट है। तो ये सारे खूबियाँ हैं ये न्यू दिल्ली मैराथन का। तो मैंने अपना जो लास्ट रेस टाटा मुंबई मैराथन में दौड़ा था वो था 21 जनवरी को, और उस रेस में मेरा PBR था 2 घंटा 59 मिनट्स और 4 सेकंड का। इसके बाद मेरे पास बस 3 ही वीक बचे थे जिसमें मैंने कुछ लॉन्ग रन्स किए, कुछ इंटरवल्स और कुछ टेम्पो रन्स किया। मैंने ज़्यादा अपना बॉडी को थकाया नहीं। मेरा जो लॉन्ग रन्स था वो 20 किलोमीटर का डिस्टेंस था। इंटरवल्स जो मैंने किया वो 400 रिपीट्स, 1 किलोमीटर रिपीट्स और 800 रिपीट्स का मैंने किया। मैंने कुछ स्ट्रेंथ वर्कआउट किया, कुछ थोड़े से साइकिलिंग किया रिकवर के लिए, क्रॉस ट्रेनिंग के लिए, और मैं रेडी हुआ न्यू दिल्ली मैराथन के लिए। मेरा जो 42 किलोमीटर का जो डिस्टेंस था ये मैंने कवर किया 2 घंटा 55 मिनट्स और 5 सेकंड में, और इससे ये मेरा एक पर्सनल बेस्ट टाइमिंग बना इस पूरे कैरियर का। मैंने ओवरऑल 39 पोजीशन अचीव किया और एज कैटेगरी में मेरा पहला पोजीशन लगा, और इन्होंने एक बहुत सुंदर ये मोमेंटो इन्होंने दिया पोडियम पे, और मुझे इससे बहुत ही मोटिवेशन आया आगे मेहनत करने के लिए। तो मैंने जो जूता यूज़ किया था वो है नाइके वेपरफ्लाई 3। जेल्स मैंने यूनिवेट का यूज़ किया था, और इसको छोड़ के और मैंने ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं किया। और पूरा जो एक्सपीरियंस था जो रेस का ये बहुत ही अच्छा रहा। मुझे बहुत सारे दोस्तों के साथ मिलने का मौका भी मिला अक्रॉस इंडिया, और कुछ हैदराबाद के रनर्स थे, और ये पूरा इवेंट एक बहुत ही मेमोरेबल इवेंट रहा जिसमें कि मैंने ना जस्ट अपना PB अचीव किया बट अच्छा एक मुझे बहुत ही अच्छा रेस एक्सपीरियंस मिला, और मैं उम्मीद करता हूँ मैं अगले साल भी इसी इवेंट में पार्टिसिपेट करूँगा। तो इसी यही इन्फॉर्मेशन के साथ आज का वीडियो मैं एंड करता हूँ। मैं आने वाले सीरीज़ में TCS 10K का जो प्रिपरेशन है और जो उसका रेस इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर करूँगा। नमस्कार।